इस बार दिवाली कब मनाए इस बात को लेकर लोगों के मन में भ्रम की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि दो तारीखों ने लोगों के मन में कंफ्यूजन पैदा कर दी कि इस बार दिवाली 31 अक्टूबर को मनाई जाए या फिर 1 नवंबर को। दिवाली की तारीख को लेकर भ्रम की स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि इस साल कार्तिक अमावस्या की तिथि एक दिन के बजाय दो दिन पड़ रही है। हम आपको बताते हैं कि दिवाली आपको कब मनानी है। दरअसल सनातन धर्म में वैदिक पंचांग के आधार पर तिथियों और व्रत त्योहारों की गणनाएं की जाती हैं। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक माह की अमावस्या तिथि पर दीपावली मनाई जाती है। हिंदू धर्म में तिथियों का विशेष महत्व होता है और इनमें उदया तिथि का तो और भी ज्यादा महत्व माना गया है। हिंदू धर्म में व्रत त्योहार उदया तिथि के आधार पर ही मनाए जाते हैं। उदया तिथि से मतलब दिन में सूर्योदय के समय जो तिथि होती है उसके ही महत्व दिया जाता है। इस तरह से कुछ लोग उदय तिथि को महत्व देते हुए दिवाली 1 नवंबर को मनाना ज्यादा अच्छा समझ रहे हैं। वहीं कुछ लोगों का तर्क है कि दिवाली पर लक्ष्मी पूजा हमेशा प्रदोष काल से लेकर मध्य रात्रि के बीच में पड़ने वाली कार्तिक अमावस्या के दौरान की जाती है, इसलिए दीपावली 31 अक्टूबर को ही मनाई जानी चाहिए। आइए इन दोनों तर्कों को ज्योतिष और मुहूर्त शास्त्र के नियमों की कसौटी में रखकर देखते हैं। शास्त्रों में दिवाली पर लक्ष्मी पूजन हमेशा अमावस्या तिथि के रहने पर और प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद से लेकर देर रात तक करने का विधान होता है। यानी अमावस्या तिथि, प्रदोष काल और निशिता काल में मुहूर्त में दिवाली मनाना शुभ माना गया है। इस कारण से ज्योतिष शास्त्र के ज्यादातर पंडितों और विद्वानों को मानना है कि जिस दिन कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि रहे तो प्रदोष काल से लेकर आधी रात को लक्ष्मी पूजन करना और दिवाली मनाना ज्यादा शुभ और शास्त्र सम्मत रहता है। दरअसल ऐसी ही धार्मिक मान्यता है कि माँ लक्ष्मी का प्रादुर्भाव प्रदोष काल में ही हुआ था, जिसके चलते निशित काल में माँ लक्ष्मी की पूजा और उनसे जुड़े सभी तरह के साधनाएं आदि करना विशेष महत्व का होता है। आपको बता दें, वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल अमावस्या तिथि 31 अक्टूबर को दोपहर 3:12 से शुरू हो जाएगी, जो 1 नवंबर की शाम तक रहेगी। इस तरह से दिवाली पर सभी के वैदिक स्थितियां 31 अक्टूबर के दिन लागू रहेंगी, जबकि 1 नवंबर 2024 को अमावस्या तिथि सूर्योदय के दौरान रहेगी, लेकिन समाप्ति शाम को 6:16 पर हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर कुछ पंचांगों में अमावस्या की तिथि को समाप्ति सूर्यास्त से पहले ही बताई जा रही है। व्रत त्योहारों की तारीखों को लेकर ज्यादातर मामलों में उदय तिथि का विशेष महत्व दिया जाता है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में अन्य चीजों और मुहूर्तों को ध्यान में रखते हुए मिलने वाली तिथि का अधिक महत्व दिया जाता है। इस वजह से जिस रात्रि को प्रदोष काल से लेकर मध्य रात्रि के बीच व्याप्त रहने वाली अमावस्या तिथि को ध्यान में रखते हुए दिवाली का पर्व 31 अक्टूबर को ज्यादा विद्वान और पंडित मनाने की सलाह दे रहे हैं। इस तरह के लक्ष्मी पूजन के साथ दिवाली 31 अक्टूबर को मनाएं।